लिए राजेंद्र गुड्डा की किचन में काम करने के लिए मेरा खाना बनाने वाला मेरा भाई छोटा मेघवाल समाज का होता, मुझे खाना भी वही खिलाता है। जब ये राजेंद्र गुड्डा 10-12 साल का था तब मैंने ऐसा काम कर दिया था कि गांव की मीटिंग हो गई थी, रूढ़िता के बाबा रामदेव जी की धरती के ऊपर आज से 650 साल पहले छुआछूत के खिलाफ, ऊंच नीच के खिलाफ, जाति प्रथा के खिलाफ, गैर बरादरी के खिलाफ तो बाबा रामदेव रूढ़िता वाले ने जो एक अभियान चलाया था और उसको उसने अपने समय के अंदर काफी हद तक पूरा भी कर दिया था। हम बाबा रामदेव की धरती से राजस्थान के बचे हुए राजस्थान में जो आज भी इंसान के साथ गैर बराबरी का बर्ताव किया जा रहा है, लोगों के साथ आज भी जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है, मैं मेरे सभी बड़े और छोटे भाइयों के बीच में खड़ा होकर, माता और बहनों के बीच में खड़ा होकर आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हम जो ताकत आपने मुझे दी उस ताकत के दम पर हमने जो काम किया, आगे हमारा मिशन है, हमारा मकसद है, हमारा संकल्प है इस राजस्थान की जमीन के ऊपर जो एक कलंक लगा हुआ है गैर बराबरी का हजारों साल से, इंसान के इंसान के साथ गैर दूसरे दर्जे का बर्ताव किया जा रहा है, ये लड़ाई हम लड़ेंगे। और आज आपके यहां से मैं बता रहा आपके सामने कह के जा रहा हूं, आने वाले जल्दी से बाबा रामदेव जी के रूढ़िता से हम एक यात्रा निकालेंगे पूरे राजस्थान की 200 विधानसभाओं में। वो यात्रा पैदल पैदल जाके हजारों किलोमीटर चल के हम एक एक आदमी को उस तरीके से समझाएंगे कि इंसान के साथ इंसान जैसा बर्ताव करो, ये हजारों साल का जो एक कलंक है इसको हम मिटाने के लिए सब लोगों को प्यार प्रेम से समझा के बुझा के और इस कलंक को हमारी धरती से मिटाने का काम करके जाएंगे। ये आपको बताना चाह रहा हूं, ये पिछले 30 साल में भी हमने किया है, जिस जगह भी मैं गया हूं, जिस जगह भी गया हूं, जहां भी बैठा हूं, मैंने इसके लिए जिंदगी भर मैंने काम किया है। तभी आज तो नहीं बीएल भाटी साहब, मेरे गांव के लोग बैठे हुए यहां, जब ये राजेंद्र गुड्डा 10-12 साल का था तब मैंने ऐसा काम कर दिया था कि गांव की मीटिंग हो गई थी, 12 साल की उम्र के अंदर मेरे पूरे गांव की मीटिंग हो गई थी और नागर जी मास्टर जी बैठे हैं, उनको पता है 12 साल का था मैं। जब मेरे साथ सारे मैंने मेरे दोस्तों को लेकर मंदिर में प्रवेश कर गया था, उसके मामले में पूरे गांव की चौपाल लग गई थी, बोले क्या कर दिया इसने। ये बात आज से 40 साल पहले की, आप सोच नहीं सकते। चाहे गांवड़ी गणेशर का नाड़ा हो, जिसके अंदर 1962 के अंदर हमारे दलित भाइयों को प्रवेश करने से रोका गया था, झगड़े हुए थे पार्लियामेंट में, क्यूसन पुट्टब हुआ था, वो दाग 2001 के अंदर आपके भाई ने धोया था, वो दाग जो गांवड़ी गणेशर के नाले में जो सुडल कास्ट के लोगों को जाने नहीं दिया जाता था, इस तरह के तो और भी हजारों बात है, लंबा समय लग जाएगा। लेकिन हम ये जब हम पैदा हुए, जब इस राजस्थान की धरती पर हम पैदा हुए तो लोगों के साथ गैर बराबरी थी, हमारे यहां भी थी, हमारे गांव में भी थी, हमारे घर में भी थी, पूरी दुनिया में थी। लेकिन जब हमने जब समझने लगे तो हमने, आज आपको बात बताने में चाहता हूं, हमने इस चीज को जड़ से खत्म किया। इस चीज से खत्म करने के लिए राजेंद्र गुड्डा की किचन में काम करने के लिए मेरा खाना बनाने वाला मेरा भाई छोटा मेघवाल समाज का होता, मुझे खाना भी वही खिलाता है। मेरी किचन से मैंने इस चीज की शुरुआत की, ये कहने की बात नहीं है, मैंने फिर किचन से शुरुआत की, मेरे दिल से शुरुआत की, मैंने सबसे पहले इस चीज के लिए सभी को तैयार किया। और आज आपके मेरे सभी आसपास के गांव के भाई को बताना चाह रहा हूं, ये कलंक राजस्थान की धरती पर जब मिटेगा उसके अंदर ये बीएल भाटी साहब, आपको पता है ये बाबा साहब के साथ जो 11 लोगों की कमेटी थी, तो बस संविधान कमेटी के जो सदस्य थे उसमें हमारे खेतड़ी के राजा सरदार सिंह जी थे, हमारे जिले का उसके अंदर रोल रहा है। बाबा साहब के साथ दो वर्ष 11 मास और 18 दिन तक लगातार बैठने